ठीक है मुश्किल लग रही है मुझे लेकिन छोटी छोटी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेराफ हबीब और आप देख रहे हैं टी4 तमाशा। से मैं मौजूद हूं मरकजी मछली मंडी हसन अब्दाल में। इस टाइम आप जितने यहां पर लोग काम कर रहे हैं काफ़ी मकदार में यहां पर मछलियां आती हैं, पूरे पाकिस्तान से फॉर्म की मछली डैम की मछली यहां पर आती है। अरे आप तक यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं अपनी खुशी का आलम नहीं। आज कैमरा देख कर माइक देख कर इतने खुश हैं, बल्कि मुझसे भी अपनी ऐसी कंट्रोल नहीं हो रही और एकदम फॉर्म में आ गए। ये लोग जोश में आ गए, काम कर रहे हैं और आज खुश हैं कि आज हम लोग कैमरे में आ रहे हैं। इस तरफ याद देख सकते हैं एक गाड़ी अनलोड हुई हुई यहाँ पर। ये तकरीबन 80 मन से 100 मन के करीब मछली है ये। इसके अंदर पाव वाले पीस भी हैं, आधा किलो वाले भी हैं, किलो वाले भी हैं, 5-5 किलो के भी पीस होते हैं। सारे खुश हैं, स्पीड में काम कर रहे हैं। आज ये लोग TV पर आने वाले हैं तो इनके ऑनर से बात करें कि यहाँ पर मछली मंडी है मेन, तो यहाँ पर मछली कहाँ कहाँ से आती है, किस वेट में मछली आती है, किस किस्म की मछली आती है, कौन सी यानी कि नस्ल की होती है, कौन से डैम से आती है, कौन से फार्म से आती है, रेट के बारे में बात करेंगे। बड़े डीलर्स भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं कि नहीं ख़रीद सकते, छोटे डीलर भी ख़रीद सकते हैं कि नहीं ख़रीद सकते। तो इनके जो अपर ऑनर हैं उनसे बात करते हैं इस मछली मंडी हसन अब्दाल के। तो लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये बताएं आपके पास ये जो मछली आ रही है किन किन इलाकों से आती है, डैम की भी होती है, फार्म की भी होती है, क्या इसका सिलसिला होता है? जी हमारे पास डैम की, फार्म की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं। मंडी बाउलदिन से आती है, सरगोदे से आती है, उखाड़े से, सखर से, काफ़ी इस इलाकों से आती है। हमारे पास हर किस्म की हमारे पास मछली होती है। ज़्यादातर हमारे पास फार्म की मछली आती है, डैम की भी आपके सामने ये मछली लगी हुई है। सही है। डेली यहाँ के इलाकों, यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों की डिमांड फार्म की है, डैम की भी मांगते हैं? दोनों की है। तो दोनों की मतलब बराबर क्वान्टिटी में जी। अच्छा कौन कौन सी नस्ल की आती है मछली आपके पास? हमारे पास रोहू आती है, मराखी आती है, थैली आती है, चैना आती है, ग्रास आती है, सिल्वर आती है, उसके बाद हमारे काफ़ी किस्म की अमली है, सिंगाड़ी है, बहुत ज़्यादा किस्म के हैं, तकरीबन 40 किस्म की। अच्छा जो साइज़ के हिसाब से रेट का हिसाब किताब होता है? जी साइज़ के हिसाब से इसमें आप लोग क्या कोशिश करते हैं, बड़े साइज़ की मछली आराम से बिकती है इस इलाके में या छोटे साइज़ की बिकती है? दोनों साइज़ ही, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो सी आधा किलो 3 पाव किलो ये साइज़ जो सा ना हमारे पास नॉर्मल जो सी इसका ये सही डिमांड होती है। अच्छा, किस टाइम पर आप लोग अनलोडिंग करते हैं, किस टाइम पर माल आता है, कब तक आपका ये सिलसिला चलता है? हमारा तकरीबन सारी रात चलता है, 7 बजे से ले कर शाम के और सुबह 5-4 बजे तक हमारा काम चलता है। ठीक है, रोज़ के कितने है, कोई अगर क्वांटिटी में बात किया कितने मन के हिसाब से बात, कितनी मछली आती है रोज़? तकरीबन हमारे पास 1000-1 मन जो है डेली की। 1000 मन मछली है, तो आप इसको सेटिंग कैसे करते हैं इसकी, मतलब कि ये ठंडा कैसे करते हैं, तो ख़राब नहीं होती? नहीं, इसको फार्म में जब पकड़ी जाती है, डैम में पकड़ी जाती है, उसी टाइम इसको बर्फ़ लगा दी जाती है उसी टाइम। हाँ जी, साथ साथ ये जो आपके सामने इधर से तुलाई होती है और उसके बाद साथ जब बोरी में इसे डाला जाता है उसमें भी बर्फ़ लगाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपसे थोड़े जो एक तो छोटे डीलर हैं जो कि मतलब जो आम रेडियो वाले हैं और ये बड़े डीलर्स भी लेके जाते हैं, दोनों लेके जाते हैं कि नहीं? जी सेम, जो बड़े हैं हमारे पास उनके पास अपनी मंडियाँ हैं वो भी आते हैं, उसके बाद जिनकी दुकानें हैं वो आते हैं, जिनके पास ठेले लगे हुए हैं वो भी आते हैं, कहीं ने अपने पास स्टॉल लगाए होते हैं, कि इनकी दुकानें होती हैं, सारे हर किसी। तो रेट सबके लिए बराबर है? जी सबके लिए सेम बराबर है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आएगी। जरूर आए हसन अब्दाल की इस मंडी में, विजिट करें, हर किस्म की आपको मछली मिलेगी, अच्छी बड़ी छोटी मोटी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हंसते मुस्कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।